हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में एसपीएससी यानी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लेक्चरर इंग्लिश का पेपर हुआ है उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। पेपर की बात करें तो ये एसपीएससी का पेपर है और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर इंग्लिश बीपीएस 17 का 26 अप्रैल 2024 को हुआ है। 1 घंटे का टाइमिंग था। और इसके एमसीक्यू की बात करें तो इसके चंद एमसीक्यू मिले हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु इज द ऑथर ऑफ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो ये एक बुक है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसको ब्लैक ने लिखा है, यानी कि विलियम ब्लैक ने लिखा है। और ये इसमें जो है पोएम्स हैं, नज़में हैं, और इसको विलियम ब्लैक ने लिखा है। ये एक इंग्लिश पोइट थे जिन्होंने ये लिखा है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। द नावल 1984 नामी नावल जो है ये जॉर्ज ऑरवेल ने जो है इसको राइट किया था, इसको लिखा था। जॉर्ज ऑरवेल जो थे ये भी इंग्लिश नावलिस्ट थे। सिनोनियम ऑफ हॉक्स इज, हॉक्स का जो सिनोनियम है वो है लाय, क्योंकि जो हॉक्स है, ऑक्स जो है इसका मतलब होता है फ्रेब, धोखा, चीट, डिसीव करना किसी को, और लाय का मतलब होता है किसी से झूठ बोलना। तो ये इसका सिनोनियम है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। व्हाट कैटेगरी ऑफ पोएट्री इज बेस्ड ऑन अनहाइम्ड लाइंस एंड अ डिफाइंड मैटर। सो ब्लैंक वर्स इसका जो है करेक्ट आंसर है। एलिजी इज पोयम दैट इज रिटन अबाउट समवनस डेथ, किसी के मौत के बारे में जो कुछ लिखा जाता है, जिसे हम मर्सिया भी कहते हैं उर्दू में, नुहा भी कहते हैं, उसको एलिजी कहा जाता है इंग्लिश में। एलिजी इसका करेक्ट आंसर है। एलिजी का मतलब होता है टू प्रेज एंड एक्सप्रेस सॉरो फॉर समवन हु इज डेड, जो फौत हो गया है उसके बारे में कोई तारीफ वगैरह या कुछ बोलना उसके हवाले से, तो इसे जो है एलिजी कहा जाता है। हु डिफाइंड पोएट्री एज, पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। सो इसको जो है वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ ने यह कहा था, और ये जो है इंग्लिश पोएट थे ये भी। माई लास्ट डचेस इसको जो है ये जो है मोनोलॉग है। और नेक्स्ट जो है विच टू सिटीज डज द टाइटल अ टेल ऑफ टू सिटीज रेफर टू। अ टेल ऑफ टू सिटीज ये एक बुक है चार्ल्स डिकेंस की, इसमें दो शहरों का तस्किरा है, दास्तान है, अ टेल ऑफ टू सिटीज। सो ये लंदन एंड पेरिस के बारे में है। लंदन जो है इंग्लैंड का कैपिटल है, पेरिस जो है वो फ्रांस का कैपिटल है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द नेम ऑफ प्ले स्टेज फॉर क्लॉडियस इन द ड्रामा हेमलेट, हेमलेट द मर्डर ऑफ गोंजागो, द मर्डर ऑफ गोंजागो इसका करेक्ट आंसर है। हु इज द पोएट ऑफ फेमस एलिजी इन मेमोरियम, लॉर्ड टेनिसन इसका जो है करेक्ट आंसर है। सैम बी लाइन वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर ने इनको लिखा था। समथिंग डैश हैपेंड और दे वुड बी हेयर बाय नाउ, मस्ट हैव, समथिंग मस्ट हैव हैपेंड और दे वुड बी हेयर बाय नाउ, कुछ जरूर हुआ होगा नहीं तो वो इस वक्त यहाँ होते, यही इसका जो है मतलब है। एंटोनियम ऑफ कॉसेट इस, कॉसेट का जो एंटोनियम है वो नेगलेक्ट है। कॉसेट का मतलब होता है टू इग्नोर सम, किसी को नेगलेक्ट कर देना, नजरअंदाज कर देना, कॉसेट कहलाता है। यू नो दे डू नॉट अलाउ डैश हेयर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यू नो दैट दे डू नॉट अलाउ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हेयर, यही इसका करेक्ट आंसर है। कॉल इट अ डे ये एक इंग्लिश इडियम है और इसका मतलब होता है टू स्टॉप बिकॉज वन डज नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग मोर, यानी कि जब आप कोई काम करने का इरादा नहीं रखते या फिर आप जस्ट रिलैक्स होना चाहते हैं या कुछ काम नहीं करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, वहाँ आप कॉल इट अ डे यूज कर सकते हैं। ही सेज आई विल सिट इन द गार्डन, सो यहाँ इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा, ही सेड दैट ही वुड सिट इन द गार्डन, जो ऑप्शंस थे ऑप्शंस के मुताबिक करेक्ट ऑप्शन जो है वो यही है। टेस्ट पॉइंट डॉट पी के बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आपने ये एसपीएससी का पेपर दिया है, आपको क्वेश्चन याद है, तो हमारे साथ जरूर जरूर शेयर करें, हम उसे भी अपलोड कर देंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप हमें व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253300 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेस्ट पॉइंट डॉट पी के वेबसाइट बहुत ही अच्छी वेबसाइट है।
मोस्टली क्वेश्चन इसी वेबसाइट से आते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें।